मिस्टर स्टीफन भारी लहजे में जवाब देते हैं, यक्षिणी एक डायन है। जैसे ही अनुराग मिस्टर स्टीफन के मुंह से ये बात सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, उसके पूरे बदन में कपकपी सी छाने लग जाती है। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा सर आपने, डायन? मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, हाँ अनुराग, आपने बिल्कुल सही सुना। डायन जो हर अमावस्या पूर्णिमा की रात मर्दों को बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी हवस का शिकार बनाती है। अनुराग मिस्टर स्टीफन को ही एकटक नजर से देखते हुए कहता है, हवस का शिकार बनाती है मतलब सर? मिस्टर स्टीफन अनुराग को समझाते हुए कहते हैं, मतलब ये अनुराग कि यक्षिणी हर अमावस्या पूर्णिमा की रात मर्दों के साथ संभोग करती है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उन्हें मार देती है। मिस्टर स्टीफन की बात सुनकर अनुराग के होश उड़ गए थे। वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोले तो क्या। उसकी बोलती बंद हो गई थी। मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि मर्दों के साथ संभोग करने के बाद भी यक्षिणी की हवस खत्म नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती जाती है, जो सदियों से बढ़ती आ रही है, और वो आज भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बना रही है, उनके साथ संभोग कर रही है और उन्हें मार रही है। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, क्या कहा सर आपने, आज भी? मतलब वो यक्षिणी अभी भी मर्दों का शिकार करती है? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, हाँ अनुराग, आज भी। और सबसे बड़ी बात, अभी बीती हुई अमावस्या को फिर किया होगा उस यक्षिणी ने किसी का शिकार। ये सुनते ही अनुराग हैरानी से सोचने लगता है कि तभी अगले ही पल मिस्टर स्टीफन अनुराग के बारे में कुछ सोचते हुए उससे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, जितना मुझे याद है तुम मेघालय से हो ना अनुराग, मेहंदी पथार के आसपास से? अनुराग मिस्टर स्टीफन की बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ सर बिल्कुल सही, मैं वहीं से हूँ। जब मैं यहाँ पर रहने आया था तब मैंने आपको बताया था ना, मैं मेहंदी पथार के एक छोटे से गांव बंगला मुड़ा से हूँ, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था, मेरी परवरिश वहीं की है। वो तो मैं पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर आ गया ताकि पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा लेखक बन सकूं, अपने बंगला मुड़ा गाँव का नाम रोशन करूं। मिस्टर स्टीफन अनुराग की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और अपने मुद्दे की बात पकड़ते हुए हैरानी के साथ कहते हैं, यही तो वो गांव है अनुराग जिसके आसपास से एक नदी बहती है, क्या नाम है उस नदी का? अरे उसका नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या नाम है? मिस्टर स्टीफन उस नदी का नाम याद कर पाते उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, कहीं सर आप किश्नोई नदी की बात तो नहीं कर रहे? मिस्टर स्टीफन तुरंत अनुराग की बात में हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ अनुराग, किश्नोई नदी, मैं इसी नदी की बात कर रहा था, यही तो वो नदी है जिसके घाट किनारे यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती है, उनके साथ पहले संभोग करती है और फिर उन्हें मार देती है। अनुराग झट से पूछता है, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई सर, आखिर वो ऐसा करती क्यों है? मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, अपने अभिशाप के कारण अनुराग। अनुराग हैरानी से अपनी दोनों भौहें ऊपर उठाते हुए कहता है, अभिशाप? कैसा अभिशाप सर? मिस्टर स्टीफन मायूसी के साथ जवाब देते हैं, वही तो मुझे नहीं पता अनुराग, पर कहते हैं यक्षिणी पहले देवी थी, पर उसे एक अभिशाप मिला था जिस कारण वो देवी से एक डायन बन गई। अभिशाप क्या था, किसने दिया था, क्यों दिया था, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने वो कविता लिखी थी तो मुझे लगा तुम्हें पता होगा यक्षिणी के अभिशाप के बारे में, वही मैं तुमसे पूछने आया था, और तुम उल्टा मुझसे पूछ रहे हो कौन सा अभिशाप, और ऊपर से तुम तो उसी गांव के निकले जिसके घाट के पास यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती है। अनुराग ने कुछ नहीं कहा तो मिस्टर स्टीफन अनुराग पर शक करते हुए कहते हैं, अनुराग मुझे अच्छे से सोच समझ कर बताओ, क्या सच में तुम्हें उस अभिशाप के बारे में कुछ नहीं पता? अनुराग तुरंत मिस्टर स्टीफन को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहता है, नहीं सर आप मेरा यकीन करिए, मुझे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में सच में कुछ नहीं पता। सर अभिशाप तो छोड़िए, मुझे तो यक्षिणी के बारे में भी अभी आपसे पता चल रहा है कि एक डायन ऐसी भी है जो मर्दों के साथ संभोग करती है और फिर उन्हें मार देती है। पता नहीं क्या मजा आता होगा उसे मर्दों की जान लेने में, बड़ी अजीब डायन है, इससे पहले ऐसी खतरनाक डायन के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मिस्टर स्टीफन मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अजीब बात हुई अनुराग कि तुम उसी गांव के हो जहां पर यक्षिणी ये कर रही है और तुम्हें यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मुझे तक पता है, मुझे क्या और भी बहुतों को पता है, आखिर वो यक्षिणी जो है उसे कौन नहीं जानता। अनुराग मिस्टर स्टीफन को घूरते हुए कहता है, सर एक बात बताइए, आपको यक्षिणी के बारे में कैसे पता?
जैसे ही अनुराग ये सवाल पूछता है, मिस्टर स्टीफन खामोश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग ने ऐसा सवाल पूछ लिया था जो नहीं पूछना चाहिए था। अनुराग लगातार मिस्टर स्टीफन की आंखों में देख रहा था और वो नजरें बचा रहे थे। अनुराग फिर मिस्टर स्टीफन से कहता है, आप ऐसे चुप क्यों हो गए सर? बताइए ना, आपको यक्षिणी के बारे में कैसे पता चला? मिस्टर स्टीफन पहली बार अनकंफर्टेबल हुए थे। वो जवाब देते हैं, वो अनुराग क्या है ना, मेरा एक करीबी दोस्त था जो मेरे दिल के सबसे करीब था। वो यक्षिणी का दीवाना था। उसका ये दीवानापन यक्षिणी के लिए इतना बढ़ गया था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उठते जागते वो यक्षिणी का ही नाम लेते रहता था। उसके अंदर यक्षिणी से मिलने की तलब पैदा हो गई थी और फिर उसी तलब ने उसकी जान ले ली। इतना कहकर मिस्टर स्टीफन चुप हो जाते हैं। उनके भारी लहजे से साफ समझ आ रहा था कि वो उस पल को याद नहीं करना चाहते थे। अनुराग धीरे से मिस्टर स्टीफन से पूछता है, क्या हुआ था सर, अच्छे से बताइए ना। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, उसके ऊपर यक्षिणी के हुस्न का जादू चल गया था। उसने यक्षिणी के हुस्न के इतने किस्से सुन रखे थे कि वो उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए उसके हाथों मरने के लिए भी तैयार था। और उस आस में वो मेघालय चला गया था। वहां पहुंचकर उसे ये भी पता चल गया था कि यक्षिणी कौन सी नदी के पास मर्दों को अपना शिकार बनाती है, और वो किश्नोई नदी थी। फिर क्या था, एक अमावस्या की रात वो किश्नोई नदी के पास गया और फिर अगले दिन घाट के पास ही उसकी नग्न लाश मिली, जिसका खून पूरा चूसा जा चुका था और दिल गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके साथ वो किया है जो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या मतलब यक्षिणी सच में होती है, ये सिर्फ कहानी नहीं है? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, हाँ अनुराग, यक्षिणी सच में होती है, और तुम्हें तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। आखिर तुम एक लेखक बनना चाहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो कहानियां सच ही होती हैं, बस उसे हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अनुराग मिस्टर स्टीफन से कुछ पूछता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन बोल पड़ते हैं, तुमने वो कविता लिखी थी ना जिसमें यक्षिणी के पास जुगनू रहते हैं, वो घाट पर बैठी रहती है, ये भी सच है। कहते हैं कि जुगनू यक्षिणी के दोस्त होते हैं जिससे उसे शक्तियां मिलती रहती हैं, और वो किश्नोई नदी के घाट पर ही बैठी रहती है। अनुराग मनी मन सोचने लग जाता है, ये कैसे हो सकता है, कविता कैसे सच हो सकती है, मैंने तो वो कविता यूं ही लिख दी थी। अनुराग कुछ सोचते हुए मिस्टर स्टीफन से पूछता है, सर एक बात बताइए, आपके दोस्त को यक्षिणी के बारे में कैसे पता चला था? मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, कैसे पता नहीं होगा अनुराग, यक्षिणी को कौन नहीं जानता। जब भी डायनो का जिक्र किया जाता है उसमें यक्षिणी का नाम ही सबसे ऊपर लिया जाता है। यक्षिणी वो डायन है जो देवी होकर भी एक डायन बन गई अपने अभिशाप के कारण। अनुराग खामोश रहता है, पलट कर फिर कुछ नहीं पूछ पाता। वो एक गहरी सोच में डूब गया था, उस गहरी सोच में जिसमें सिर्फ यक्षिणी को लेकर कई सवाल थे। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर तंज कसते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए अनुराग, एक लेखक होने के नाते तुम्हें अपने आसपास की सारी लोक कथाओं के बारे में पता होना चाहिए, उन्हीं लोक कथाओं में से कहानियों का जन्म होता है। बताओ, यक्षिणी तुम्हारे गांव के पास ही शिकार करती थी और तुम्हें नहीं पता, ये तो काफी अजीब और हैरान करने वाली बात है, तुम मेघालय से हो भी या नहीं? अनुराग पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। मिस्टर स्टीफन के सवालों ने उसे गहरी सोच में डूबने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके मन में पहले ही यक्षिणी को लेकर कई सारे सवाल चल रहे थे। जब अनुराग कुछ नहीं कहता है तो मिस्टर स्टीफन समझ जाते हैं कि उनके वहां से जाने का वक्त हो गया है, इसलिए वो अनुराग से बिना कुछ कहे वहां से जाने लग जाते हैं। अनुराग भी उन्हें रोकता नहीं है, वो अपने ही ख्यालों में खोए रहता है। मिस्टर स्टीफन के वहां से चले जाने के बाद भी अनुराग की परेशानी कम नहीं होती है, वो यक्षिणी के बारे में ही सोचते ही रहता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था क्या झूठ, वो मिस्टर स्टीफन की बातों पर यकीन करे भी या नहीं, क्योंकि मिस्टर स्टीफन ने उसके गांव की उसे वो बातें बताई थी जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। एक पल के लिए उसका मन मिस्टर स्टीफन की बातों पर यकीन करने को करता भी तो वो सोचता कि वो मिस्टर स्टीफन की कौन सी वाली बात पर यकीन करे, वो जिसमें यक्षिणी अपने प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है, जिसमें यक्षिणी अनुराग की कविता की तरह है, या फिर वो वाली जिसमें यक्षिणी एक खौफनाक डायन है जिसमें वो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। वो यक्षिणी की कौन सी कहानी पर यकीन करे, यक्षिणी के कौन से रूप को सही माने। रात भर अनुराग यक्षिणी के बारे में सोचता रहा और परेशान होता रहा। वो यही सोचता रहा कि यक्षिणी मर्दों को अपनी हवस का शिकार कैसे बनाती है, उसे क्या अभिशाप मिला था, वो कौन था जिसने अभिशाप दिया था, और सबसे जरूरी बात, क्या वो आज भी अपने प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है।
यदि हाँ तो फिर कौन है उसका प्रेमी और कब वो उसकी जिंदगी में वापस लौट कर आएगा। ऐसे ही कई सारे सवाल रात भर अनुराग के मन में चलते रहे थे। एक प्रकार से अनुराग के मन में यक्षिणी के ख्याल वापस से चलने लग गए थे। वो नाम जिसे यक्षिणी ने खुद अनुराग के बचपन की यादों में से मिटा दिया था, उसकी यादें छीन ली थी। अनुराग को वापस से वो नाम याद आने लग गया था। उसे लगने लग गया था कि इस नाम से उसका कोई ना कोई गहरा नाता तो जरूर है। तभी बार बार न सोचने पर भी यक्षिणी का नाम उसकी जुबान पर आ रहा था। यक्षिणी का नाम अनुराग को वापस याद आने लग गया था। आता भी कैसे नहीं, यक्षिणी वो नाम है जिसे खुद यक्षिणी भी किसी के मन से मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकती, क्योंकि यक्षिणी वो है जिसे कोई नहीं भुला सकता, यक्षिणी के चाहने पर भी। यक्षिणी ने भले ही अनुराग की जिंदगी में अभी फिर से प्रवेश नहीं किया था, पर उसके नाम ने कर लिया था। और किसी की जिंदगी बनाने और संवारने के लिए यक्षिणी का नाम ही मात्र काफी है, और अनुराग की जिंदगी संवारने के लिए भी यक्षिणी का मात्र नाम ही काफी था। अनुराग रात भर यक्षिणी के बारे में सोचता रहा, और जब वो सुबह उठा तब भी उसके मन में यक्षिणी ही चल रही थी। अगले दिन जब अनुराग कॉलेज गया तो उसके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। एक रात में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन कॉलेज में उसके साथ ऐसा होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी।